बारकोड क्या है और इसे कैसे प्रिंट करते हैं और बनाते हैं। आप अपने व्यापार में, चाहे आपका व्यापार कपड़े की दुकान का हो, चाहे गारमेंट का कोई भी स्टोर हो, चाहे आपका किराने की दुकान हो, कोई भी आपका रिटेल काउंटर हो, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप बारकोड को कैसे बनाएंगे और अपने प्रोडक्ट पर कैसे उस बारकोड को स्टिकर प्रिंट कर लगाएंगे। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि बारकोड का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि हम किस लाइन का हमें फुल फॉर्म बनाना है और किसका फुल फॉर्म नहीं होता है। दोस्तों जैसे सपोज भाई आप एक बीए क्लास में पढ़ते हैं तो वहां पर बी डॉट ए करके है तो इसका फुल फॉर्म होता है। दोस्तों अगर आप किसी शब्द को एक में पढ़ते हैं तो उस शब्द का फुल फॉर्म नहीं होता है। जैसे हम यहाँ पर बारकोड एक हमारा फुल एक शब्द है, सेंटेंस है, तो इसलिए इसका फुल फॉर्म नहीं होगा। अगर यही शब्द अलग अलग होता तो इसका फुल फॉर्म बनाया जा सकता है। तो दोस्तों बारकोड शब्द का फुल फॉर्म नहीं होता है, इसलिए इसका आप एक मिलावटी शब्द है, इसको आप मात्र पढ़ सकते हैं बी ए आर सी ओ डी ई। अगर हम अलग अलग पढ़े तो इस शब्द का फुल फॉर्म बनाया जा सकता है। दोस्तों आइए हम लोग बारकोड के बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं। बारकोड स्कैनर क्या होता है? बारकोड स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर में डाटा को स्कैन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि कंप्यूटर में डाटा स्कैन कैसे करता है। बारकोड स्कैनर में एक लेजर लाइट लगा होता है जिसके माध्यम से जो बारकोड स्टिकर होता है, चाहे वो कपड़े की दुकान में आप देखे होंगे या फिर आपके किसी भी स्टोर पे, किराने की दुकान पे भी आप देखे होंगे, उस बारकोड को जैसे आप स्कैन करते हैं तो उसमें से एक लेजर लाइट निकलता है। उस लेजर लाइट वो जो बारकोड को रीड करता है, रीड करने के बाद कंप्यूटर में उस डाटा को डीकोडिंग होता है, उसको हम डीकोडिंग के रूप में जानते हैं। डीकोड करके हमारे जिस भी सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे हों उस पे वो डीकोड करके अपने रिजल्ट को प्रकाशित करता है, डिस्प्ले देता है। इस बारकोड के माध्यम से आप अपने किराने की दुकान या किसी भी स्टोर में बारकोड को स्कैन करने के काम में यह बारकोड स्कैनर आता है। बारकोड स्कैनर कितने प्रकार के होते हैं? बारकोड स्कैनर टोटल अगर देखा जाए तो टोटल चार टाइप्स के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर बिलिंग के रूप में अगर आप एक कंप्यूटर में अगर आप चलाते हैं तो वहां पर बारकोड स्कैनर टू टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है 2D स्कैनर, जो दूसरा होता है आपका 3D स्कैनर। 2D स्कैनर में आप देखते होंगे कि कई मॉल वगैरह में आपको लगा होगा, जो कि एक गन होता है और उस गन को जैसे हम स्कैन करते हैं तो वो 2D स्कैनर होता है। 3D स्कैनर आप देखते हैं कि आपके ड्रावर में ही वो लगा होता है, एक स्कैनर, डायरेक्ट प्रोडक्ट को उसके पास लेके जाते हैं, स्कैन कर आप रख सकते हैं। तो बड़े मॉल वगैरह में 3D स्कैनर का इस्तेमाल होता है और छोटे स्थानों पे आपका 2D का इस्तेमाल होता है। दोस्तों माई बिलिंग पैड के GST बिलिंग सॉफ्टवेयर में या किसी भी बिलिंग सॉफ्टवेयर में आप अपने प्रोडक्ट को स्कैन करने के लिए, रीड करने के लिए आप 2D स्कैनर का प्रयोग किया जा सकता है। प्रत्येक देश का जो भी आइटम होता है और एक दूसरे देश में जब वो सेल के लिए जाता है तो प्रत्येक प्रोडक्ट का एक बारकोड नंबर
स्पेशल होता है और उस प्रत्येक कंट्री का भी एक बारकोड नंबर का स्टार्टिंग पता रहता है कि आपको ये पता कर पाएं कि कौन सा प्रोडक्ट कौन से देश का है। तो हर एक कंट्री का, हर एक देश का आपका डिफरेंट डिफरेंट बारकोड का स्टार्टिंग का नंबर होता है। जैसे इंडिया का नंबर होता है 890, 890 से जितने भी प्रोडक्ट स्टार्ट होते हैं और जो कि इंडिया के बाहर स्टैंडर्ड बारकोड जो होता है, इंडिया के जो बाहर सेल होता है, जितने भी प्रोडक्ट हैं उस प्रोडक्ट का आप इसी माध्यम से भी पहचान कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कौन सी कंट्री का है और इसका स्टार्टिंग का डिजिट नंबर जो बारकोड का क्या है। इंडिया का बारकोड का डिजिट नंबर स्टार्ट का 890 होता है। जो बारकोड स्टिकर होता है या स्टैंडर्ड बारकोड हो चाहे आप कस्टम बारकोड हो, उसमें कौन कौन सी जानकारी आप डाल सकते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड बारकोड में जो होता है आपका, सबसे पहले इंडिया का कोड होता है जिसको हम 890 से स्टार्ट होता है। जितने भी ब्रांडेड प्रोडक्ट आप अपने मार्केट में पाएंगे, चाहे किराने की दुकान हो, चाहे एक्स वाई जेड कोई भी आइटम हो, उस आइटम में इंडिया के किसी भी प्रोडक्ट में अगर आप देखेंगे तो स्टार्ट का जो बारकोड होता है आपका 890 से स्टार्ट होता है। तो दोस्तों, इसके बाद अगर आप एक कपड़े की दुकान में जाते हैं तो वहाँ पे कस्टम बारकोड का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। इसको हम सिस्टम जनरेटेड बारकोड के नाम से भी हम जानते हैं, जिसमें आप अपने कंपनी या फर्म का नेम और अल्टरनेट बारकोड का नंबर हम उसमें ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप अगर बिलिंग सॉफ्टवेयर में अगर आप यूज कर रहे हैं अपने व्यापार के लिए, तो दोनों आप बारकोड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आपका बारकोड का जो भी नंबर होता है वो यूनिक होता है और ताकि आप अपने प्रोडक्ट की पहचान इजी और आसान तरीके से कर पाएं। बारकोड स्कैनर को POS स्कैनर क्यों कहा जाता है? POS का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ सेल। किसी दुकान या बिजनेस में सेल करते समय इस POS स्कैनर का इस्तेमाल किसी प्रोडक्ट को पहचान करने के लिए किया जाता है, ताकि ये प्रोडक्ट जैसे आप स्कैन करते हैं आप वो ऑटोमेटिक उस प्रोडक्ट का जो भी डिटेल है वो पहचान कर लेता है कि ये प्रोडक्ट का नाम क्या है, इस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, माई बिलिंग पैड के GST बिलिंग सॉफ्टवेयर में अगर आप सेल का बिल बनाने लगते हैं, सेल का बिल बनाते समय आपको बारकोड जैसे ही आप स्कैन करते हैं उस बारकोड पार्टिकुलर नंबर पे ऑटोमेटिक स्कैन करने के बाद प्रोडक्ट का नेम और उस बारकोड की जो प्रोडक्ट है उसकी क्या वैल्यू है सेल की, उसमें डिस्काउंट ऑफर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, वो ऑटोमेटिक ड्रावर में ऐड हो जाता है। ऐसे आप मल्टी प्रोडक्ट को स्कैन कर आप POS में इजी और आसान तरीके से बिल आप बना सकते हैं और सिंगल बिल मल्टी पेमेंट मोड वगैरह पे भी आप पेमेंट वगैरह भी ले सकते हैं। दोस्तों, आप बारकोड स्कैनर के माध्यम से अगर आप बिल को जनरेट करते हैं तो आप इजी और फास्ट तरीके से बिल करने में आप सक्षम और कामयाब हो सकते हैं।